मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको परिचित करा रहे हैं। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका प्रयोग बताया है और साइड इफेक्ट नुकसान नहीं बताए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इसके नुकसान, फायदे, किन को ये यूज करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ और पूरा का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे नंबर वन कंपनी डाबर का है और इसका नाम है डाबर अभ्यारेस्ट। दोस्तों पतंजलि, वैद्यनाथ और डाबर अभ्यारेस्ट, डाबर कंपनी, ये तीनों कंपनी बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पहुंचाने वाली है आयुर्वेदिक मेडिसिनों के थ्रू। दोस्तों ये कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाबर के अभ्यारेस्ट के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके प्राइस 130 रुपए है और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप इससे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर आप इसका होलोग्राम देख पा रहे होंगे और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कब्ज में उपयोगी। दोस्तों ये डाबर का जो अभ्यारेस्ट है कब्ज, गैस और आपको बता दूं बवासीर, इनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण औषधि व टॉनिक है। दोस्तों जिनको बवासीर में मस्से पड़ चुके हैं वो इसका प्रयोग करें, लेकिन उसके पहले उन भाइयों को अर्शकुटार रस का प्रयोग कर लेना चाहिए जिससे उनके मस्सों का दर्द कम होता है, फिर अभ्यारेस्ट का प्रयोग करें। दोस्तों अभ्यारेस्ट का प्रयोग यदि आप लगातार सेवन करते हैं तो कब्ज और आपकी बवासीर ठीक हो जाती है, आपका पाचन तंत्र भी एकदम स्ट्रांग बन जाता है। दोस्तों ये लीवर के लिए भी बहुत ही चमत्कारी औषधि व टॉनिक है। इसमें निम्न प्रकार की औषधियों का मिश्रण किया गया है जो यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों इसमें जिन औषधियों का प्रयोग किया गया है उनमें से मैं आपको कुछ औषधियों के नाम बताने वाला हूँ, जैसे कि हरित की, मुनक्का, गोखरू, महुआ के फूल, गुड़, इंद्राणी की जल और धनिया, सौंफ, दस्तमूल, सौंठ व मोचरस। दोस्तों इन प्रकार की औषधियों का इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये तो हो गए फायदे कि बवासीर के लिए और लीवर के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि व टॉनिक है। कब्ज बनते हुए बुखार आ जाता है तो इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको बुखार भी नहीं आएगा और कभी कब्ज भी नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि इनको ये सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 साल के नीचे के बच्चों को सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो महिला गर्भवती है उसको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या जिनका ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है और वो अभी ऑपरेशन के उसके टाके नहीं खुले हुए हैं या फिर 6 महीने या 1 साल नहीं हुआ है, उनको भी अभ्यारेस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान के। तो दोस्तों नुकसान इसका कुछ भी नहीं है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि एक नुकसान इसका जरूर है, यदि इसको आप पर्याप्त मात्रा से ज्यादा पी लेते हैं तो आपको उल्टी व दस्त लगने की शिकायत आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका जो मूल्य है वो 130 रुपए है और इसका जो वेट है वो 450 ml है और इसकी जो खाने की विधि है वो यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन की गई है। सुबह शाम एक एक चम्मच पानी के साथ सेवन करना है या फिर डॉक्टर की परामानुसार सेवन करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्वाद के बारे में। तो दोस्तों इसका स्वाद काफी कड़वा है, आपको पीने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन दवाई पावरफुल है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं एक और प्रोडक्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।